पौड़ी के कंडोलिया मैदान में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनयाल और कमिश्नर सुनील कुमार कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं पुलिस जवानों की 8 अलग अलग टोलियों ने परेड के साथ सलामी दी और हवाई फायरिंग कर गणतंत्र दिवस के मौके पर कई तरह के कर्तव्य दिखाए। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर निकाली गई झांकियां प्रदेश की उन्नति को प्रदर्शित करती हैं, साथ ही पुलिस ऐप गौरा शक्ति की जानकारी दी। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त नागरिकों को गढ़वाल मंडल के उत्तराखंड राज्य के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का आयोजन बहुत ही भव्य और एक अनुशासित परेड का यहां पर आयोजन किया गया, जो हमारे वीर सिपाहियों द्वारा एक बहुत ही सुंदर परेड और जो झांकियां भी यहां प्रदर्शित की गई वो दिखाती हैं कि किस प्रकार हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। और इन झांकियों से इससे हमारे राज्य की उन्नति और प्रगति भी प्रदर्शित होते हैं। सबसे पहले तो 74वें गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर सबको बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के द्वारा आयोजित किया गया। भव्य परेड रहा और झांकियाँ भी बहुत सुंदर थी। साथ ही मैं इस अवसर पर मैं अपील करना चाहूँगा कि जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने संबोधन में भी कहा कि गौरा शक्ति ऐप का जरूर प्रयोग करें।